प्रशासन में लगातार घटतौली की सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसको रोकने के लिए प्रशासन कार्यवाही करता है, लेकिन फिर भी घटतौली की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी एक शिकायत कमलेश पत्नी अजय कुमार निवासी नया गाँव मऊ के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से की गई है, जिसमें राशन डीलर पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वे जब भी राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो राशन दुकानदार उन्हें 5 किलो की बजाय 4 किलो ही राशन देता है, जिसकी कई बार शिकायत करने पर भी राशन डीलर राम बहादुर यह बोलता है कि उसके संबंध ऊपर तक है, राशन से जुड़े हुए उच्च अधिकारियों को भी वह महीना भेजता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह की बातें वह राशन लेने आने वाले से बोलता है। कमलेश पत्नी अजय कुमार ने शिकायती पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से राशन डीलर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है और साथ ही राशन की दुकान को निरस्त करने की मांग की गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंदर भाटिया है और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ जी। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ये निश्चित कर रखा है कि हर परिवार के एक यूनिट को 5 किलो राशन दिया जाएगा, जबकि उसके विपरीत यहाँ के जो दुकानदार हैं, राशन डीलर हैं, लगातार जनता का कार्ड धारकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वो उन्हें 5 की जगह 4 किलो यूनिट दे रहे हैं, 4 किलो दे रहे हैं। उसका मतलब यह है कि 1 किलो की कालाबाजारी कर रहे हैं वो, और जब उससे बात की जाती है तो वो कहता है कि मुझे दुकान चलानी है और ऊपर भी देना पड़ता है। या तो ये सिस्टम में लागू है 1 किलो राशन का भ्रष्टाचार होना, या जनता को उसे बता दिया जाए कि आपको सिर्फ 4 किलो राशन दिया जाएगा। वो लिखित में दें, अखबारों में छापें कि 4 किलो राशन दिया जाएगा, जब आप दूसरी जगह कहते हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है। तो ऐसे दुकानदारों को सरकार को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो जनता के साथ शोषण हो रहा है, उसे पूरा राशन नहीं मिला, उसका पूरा हक नहीं मिल रहा, उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी दुकानें निरस्त की जाए। आज आप किससे मिले हो? आज डीएम साहब मुरादाबाद से मिले थे हम लोग, और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसके साथ जल्दी कार्रवाई की जाएगी और उसकी दुकान निरस्त कराने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और आगे आगे अगर ये कार्रवाई नहीं हो पाती है तो आम आदमी पार्टी धरातल पर उतर कर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी।